हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, लाइफ साइकिल क्या होती है। दैट मींस कि जब हम सर्वलेट एक क्रिएट होता है और एंड होने तक, डिस्ट्रॉय होने तक, वो कौन कौन से स्टेजेस पे जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर्वलेट मींस एक सर्वर साइड प्रोग्राम जो सर्वर पे रखा होता है, और सर्वर पे जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए हमारा वो वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो लेट अस सपोज फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट किसी ने भेजी, तो जैसे ही फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कोई भेजेगा तो वेब कंटेनर क्या करेगा, क्योंकि अभी वो पहली रिक्वेस्ट है, और अगर वो पहले रिक्वेस्ट है तो अभी तक कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है। इसका मतलब कि अभी तक सर्वर ने उस सर्वलेट का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि जावा की एक सिंपल क्लास है सर्वलेट, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए सर्वर इनिट फंक्शन कॉल करेगा, इनिट मेथड कॉल करेगा। जो इनिट मेथड आपने ओवरराइड किया होगा वो इनिट मेथड कॉल हो जाएगा फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस। तो अगर हमें कोई भी इनिशियलाइजेशन टाइम पे काम करना है या सर्वलेट को इनिशियलाइज कराना था, कोई कोड लिखना है, तो हम लोग वो कोड जाके इनिट फंक्शन में लिख देंगे, और ये बेसिकली मेथड जो है वो सर्वलेट इंटरफेस के अंदर है, तो ये उस इंटरफेस का मेथड कॉल करेगा, और विद द हेल्प ऑफ ओवरराइडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से क्या होगा, जो हम लोगों ने अपने क्लास के अंदर, अपने सर्वलेट के अंदर ओवरराइडिंग जो की होगी मेथड की, वो मेथड चलेगा। दैट मींस हम इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं इनिट, ये मेथड तब कॉल होता है जैसे ही सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसको इनिशियलाइज करने के लिए सर्वर इनिट मेथड कॉल कर लेता है। नेक्स्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस नहीं हुई और अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट इनिट के बाद उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए वो सर्विस मेथड कॉल कर लेगा, जिससे अब सर्विस का जो लॉजिक होगा हम लोग इस सर्विस मेथड के अंदर लिखेंगे, जिससे होगा क्या, जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी कोई भी रिक्वेस्ट, तो उसको सर्विस मिल जाए, दैट मीन्स लॉजिक चल जाए, वो जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो जाए, ये काम हम सर्विस के अंदर लिख देते हैं। तो फर्स्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इनिशियलाइज करने के लिए इनिट कॉल करेगा, और आपके लॉजिक, दैट मीन्स जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको प्रोसेस करने के लिए हमारा सर्विस मेथड कॉल होगा। उसके बाद अब कितनी भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब एक बार क्रिएट हो चुका है, अब कितनी भी यहाँ सर्विस के बाद अब कितनी भी, मान लीजिए यहाँ पे क्लाइंट है एक, और हम क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये रिस्पॉन्स भेजता रहेगा, एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आएंगी, एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्स चला जाएगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट एक बार बन चुका है। अब अंदर सारा थ्रेडिंग पे काम होगा, थ्रेडिंग दैट मीन्स मल्टीपल थ्रेड्स बनते जाएंगे सर्विस को चलाने के लिए, दैट मीन्स कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो हमारा बार बार सर्विस मेथड कॉल होता रहेगा, और रिक्वेस्ट जितनी बार रिक्वेस्ट आएंगी हर बार सर्विस मेथड चलेगा उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट, जब ये सारा काम हो जाएगा, दैट मीन्स जब सर्वर का ऑब्जेक्ट वेब कंटेनर डिस्ट्रॉय करने को जाएगा, तो उससे पहले रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए ये कॉल करेगा हमारा एक डिस्ट्रॉय मेथड। दैट मीन्स अब चीजें खत्म, इसके बाद हमें सर्वर का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना था, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हुआ। जब एट लास्ट सर्वर का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए इनिट मेथड कॉल होगा, उसके बाद रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए सर्विस मेथड कॉल होगा। अब सर्विस मेथड एक बार कॉल हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, तो अब कितनी भी रिक्वेस्ट आप भेजोगे हर बार सर्विस मेथड कॉल होता रहेगा, और रिस्पॉन्स यहाँ से जाता रहेगा, कॉल होता रहेगा, रिस्पॉन्स यहाँ पर जाता रहेगा। एट लास्ट जब कोई रिक्वेस्ट नहीं बचेगी, दैट मीन्स जब सर्वर क्या करेगा, सर्वलेट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने को जाएगा, तो वो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करेगा, जिससे कि रिसोर्सेज को रिलीज कर पाए। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेथड में हम कोई रिसोर्सेज या फिर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसको हमें रिलीज करना है, तो हम डिस्ट्रॉय के अंदर कॉल कर सकते हैं। अगर मैसेज देंगे तो जब डिस्ट्रॉय होगा ऑब्जेक्ट, तो डिस्ट्रॉय हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सर्विस है। सर्विस के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हमें लॉजिक प्रोसेसिंग का कोड था, वो चीज़ हम लोग सर्विस अंदर लिख देंगे। जैसे हमें कोई फॉर्म मिल रहा है, तो फॉर्म का डेटा फेच करना है, फिर डेटाबेस में रखना है, या कोई भी लॉजिक है वो सर्विस के अंदर ही लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। और जो सर्वलेट इंटरफेस, उसके बाद दो मेथड और होते हैं। सबसे पहला मेथड था गेट सर्वलेट इन्फो, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, वो नॉन लाइफ साइकिल मेथड था, वो सर्वलेट के लाइफ साइकिल में कोई भी रोल प्ले नहीं करता था। तो फ्रेंड्स, इस बार हम लोगों ने देखा कि लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीजें सर्वलेट के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।